हे सूरज भगवान, चार दिन हो गई आपन दर्शन ना देनी, रूस गई बड़ा का। अरे काकी, तो सूरज भगवान का मर्जी की रूस जाए या अमेरिका है? लेकिन ये काकी, एक बात सही सही बतावा, ए बेर ठंडा पार कर जेबू या भोज भात खाए का मौका देबू? पूछा उसा कही का, मुंह में कीड़ा पड़े, जब देखा तब वही के कहला। का चाहता रा ई पतवा के बियाह देखले बिना मर जाई का? अरे फाजिल बात कही दा काकी, मरे तो हर दुश्मन। अरे लेकिन पतवा का बियाह तो तब हो जब तुहार बेटवा चाहिए ना। अरे जितेंद्र का बाप धर्मेंद्र, जब तक जितेंद्र कलेक्टर ना बन जाइए बियाह तो दूर, बरच्छो ना हो कह। एकदम सही कहता नी मुखिया जी, जय हो। आईसीएस पीसीएस के चक्कर में ना हमर जितेंद्र के बियाह ना हुई। और का? अरे गांव समाज में 10 तरह के लोग 10 तरह की बात करेला। बकीरे अम्मा जी के बेटा की के समझाए? के समझाई? अरे हम समझाई। अरे धर्मेंद्र, हम आई या आवा आवा माई बुलावते तो आवा चाहवे सुबह सुबह जो ना। हम आई। ये बताओ पोतवा के बियाह कब करबे? अरे माई एक बार कह देली ना, जब वो कलेक्टर बन जाए तब बियाह करा। एक बतिया बार बार का पूछली? कलेक्टर ना बने तो बियाह ना हुई। अरे रोवा चपरासी ना बन पोगी और बेटा की कलेक्टर बनाई। बाप घूमे गली गली, बेटा बनी बजरंग बली। ठीक कहा तारू दुल्हन, ठीक कहा तारू। मैं तो कौनो सकना धर्मेंद्र, तू पढ़ाई में हमेशा टापर रहा पाछे से। सुबह सुबह पूरा गाँव वाले मिल के हमारा मजाक उड़ावा चली ले लोगन। आज टापेल बड़ा क्या लगावेल बड़ा लोगन। फाजिल बात कही ना धर्मेंद्र, बात के समझा है? अब बूढ़ा का उम्र हो गई बा, पता न कब पागल आमनियन टप से टपक जाए। ई पोतवा का बियाह हो जाए तो उम्र बढ़ जाए का काकी है? और जितेंद्र का कलेक्टरिया का हुई है, ओकरे आईएएस पीसीएस की तैयारी करावे में हजारों रुपए का कर्जा हमारे मुड़ी पर है। बिना आईएएस बनले उनकर बियाह कर दे तो दहेज में कुछ कुटाई से किलियो ना मिली। कर्जा कहां से चुकाई? घर बेच के चुकाई? फाजिल बात कही ना धर्मेंद्र, बात तो तुहार सही है। देखा काकी, अरे चाप के खा पिया, अरे पोता का बिया का नरोता का हग्गल मुतल भी साफ करबू तू। आशीर्वाद बनो ले रहा काकी बस। का मुखिया, एगो बात बताओ है? तहार माई उल्टा पुल्टा रोटी खा के तहरा के जन्मौले बड़ी का? हरदम दुमुहा बात करे ले, बिन पेंदी के लोटा के कहीं इज्जत ना होला, समझ ले। निर्दात मचियारा, तू बेटवा के ब्याह के सोचा जल्ला मुटकू। अच्छा ठीक है ठीक है, परेशान मत हो लोगन। जितेंद्र के आवेदा हम उनसे पूछ ले क्यों का चाहता रहे। इंग्लिश मैगजीन लिखेगा? हाँ भैया, का चाहे बतावा। एगो हो अंग्रेजी वाला दे दिया जाओ और विलियम शेक्सपियर के एगो बुक दे दी। कितना बिल भाई? 'बस्ती की खातिर गाड़ी खुले वाला बा, आवा आवा जल्दी करा बस्ती जाई। हां भैया बस्ती जाई बस्ती, चला चचा आवा बैठा, आवा जल्दी करा। इलाहाबाद से बस्ती, इलाहाबाद से बस्ती, आवा आवा जल्दी करा। ए भैया बैग गोद में लो, खस का बैठी। अरे काका, ये अपन हम दोस्त खातिर रख ले और तू आउत नेटी पचड़ गलो, तू दूसर सीट देखा। चला 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 आगे बढ़ावा, चला इलाहाबाद से बस्ती। अरे रोका रोका
बाबा आई आई बैठी चला चला। हे भगवान, कौन अच्छा लड़की भेजिया कि सफर अच्छा से कट जाए। हेलो मैडम। हेलो। कम सीट हियर। सीट सीट। थैंक यू थैंक यू। ए भैया, तू तो कहत रहला कि तहार दोस्त लड़का बा, आई लड़की बता दी तोहरा के लड़का लड़की में कोनो फर्क ना होला। ये कौना जमाना का सोच रख रहा बड़ा। छी छी, अरे जा। ए मैडम, तोके भोजपुरी ना आवेला? अरे आवेला आवेला ना, एकदम बढ़िया वाला भोजपुरी बोले आवेला। सुना ना, का नाम बा? का कर बा? कुंडली बने बका? तुझे पढ़ा? वैसे करे लुका? अरे बाबा, स्टूडेंट है, पढ़ाई करे नहीं। प्लीज और कुछ मत पूछिया। ठीक 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 बा, कुछ कुछ ना पूछो। मुंशी प्रेमचंद, हम हो विलियम शेक्सपियर का पढ़ाता नहीं। आई लाइक इट। विलियम शेक्सपियर ना, विलियम शेक्सपियर। देसी मुर्गी बिलाईती वो। आई एम पढ़िंग इन दिस इंग्लिश इन द बिकाउज इन द लास्टिंग इन द फीलिंग एंड बिकाउज इट्स वियर ईयर एंड फाउट एंड दिस इन द आउ फाउट। अच्छा, हसल तो फसल। हम रख के दुल्हन बना।
के बस में बेकाबू भइल बा, बेकाबू भइल बा। तोहरे प्यार में कंगना हो खन के, चाहता नी रहल तोरे बन के। कोई दयन जोर हमरा जिंदगी में आके, आई जल्दी आई। ए भैया चलो चलो घुस का। हाँ चला आगे बढ़ावा। ए भाजी कितना टाइम हो गई? 12:05 बारह बज के पांच लटका था। ए मर्दई कौन टाइम होला यार? अरे पगला मतलब 12:05 हो गई। मगर एक बात बताओ यार, बस के टाइम तो रहे 11 बजे के, 12:05 हो गई अभी तक आई ना बसवा। ए मर्दे तू बस के इंतजार करता रे? अरे बस तो आ जाई, बाकी ओ बस में अपन जितेंद्र भैया होखिए कि ना एकर कौनो गारंटी नहीं खे। मगर यार नथुनो भैया के फोन पर तो बात भेल रहे कि आज आवे वाला रहनु। बस आगे आगे लागे चल 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 चल। हाँ रोकला रोकला बस्ती बस्ती आवा उतरा बस्ती वाले लोग उतरा आवा जल्दी करा। हाँ चल आगे बढ़ावा। जितेंद्र भैया अरे इतना लेट क्या होगा? अरे इतना ना बॉस ही खड़खड़ाते रहे और रास्ता भी इतना ना खराब है क्या करूँ। ए भैया भैया सिगरेट वाला आइल हवा का आइल बा पहले अड्डा पर चलना तो खबर बन जाए। आप सुन रहे हैं बीबीसी हिंदी न्यूज। आज प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव जी ने सदन में चुटकी लेते हुए नेता प्रतिपक्ष अटल बिहारी वाजपेयी जी को गुरु की संज्ञा दी तो हाजिर जवाब वाजपेयी जी ने उन्हें तुरंत गुरु घंटाल बता दिया। पूरा सदन दोनों नेताओं की चुहलबाजी के ठहाकों से गूंज उठा। आज सदन में आर्थिक व्यवस्था की अरे तनी धीरे हसी धीरे कान के पर्दा फाड़ देब का। अब दिन भर कोनो काम तो रहे ला ना, बस दिन भर रेडियो बजावत रही है बजावत रही है और हमार मुड़ी दुखावत रही है। अरे भगवान तारा ऐसन मेहरारू आ त्रिभुवना ऐसन सार मिलल बा हमार तो जीवन धन्य हो गई। बुझाते नहीं के बुढ़ौती में हम का करी। माई बिटिया आ गई। सुनीता गोला खुश रहा बेटी। सुनीता गाड़ी भेज ले रहनी, गाड़ी कहाँ बा? अरे मामा वो रास्ते में गाड़ी खराब हो गई डला। ड्राइवर चाचा के कह देनी बनवा के लेके आई हम बस चल आई। ठीक है। अरे मेरा बच्चा गोड़ लगा। खुश रहा कैसन बाबू? हम बहुत अच्छा बानी बाबूजी। और बाबूजी राव रेडियो कैसन चलता? अरे बेटा रेडियो तो एकदम फर्स्ट क्लास चलता। ये रेडियो थोड़ा सा गड़बड़ चल रहा है। बाप बेटी ऐसे शुरू हो गई ले। चला जाके फ्रेश हो ला, काहे के सफर से आइल बड़ू थक गई लोग। हाँ माई बस बहुत खटारा लाला, बहुत थक गई बनी माई। दर 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 बस फिर से शुरू हो गई। ए जी रउआ के कुछ लौके ला ना, बेटी बड़ हो गई बिया, कौनो जिम्मेदारी नहीं खे। हाँ जिम्मेदारी पर याद आई, शिव पूजन के बेटा के बैंक मैनेजर के नौकरी हो गई बा। कहो तो सुनीता खातिर ब्याह के बात चलाई। हम अपन बेटी के ब्याह एगो मामूली बैंक मैनेजर के साथे करब। सुना ए घरी बैंक के मैनेजर के बहुते डिमांड बा। चुप रही, बैंक मैनेजर के बहुत डिमांड बा, अनरा के गोद में मेवा। और कान खोल के सुन ली, हम अपन बेटी के ब्याह त IPS PCS से ही कराई। अरे पैसा चाहे जितना लग जाए, हमार बेटी के ब्याह कराई त हम कलेक्टर से। कलेक्टर हम कहा बन पर ब्याह, अब क्यों एग्जाम खराब हो गई? का बात करते मर्द।
ई कुल छोड़, गांव में कोनो नो टंकू टंकी आइल बा किनारे? आइल रहल ना यार, बाकी दो दिन पहले चल गए। अरे नो टंकी वटंकी छोड़ा, ई बात बताओ इस शहर से फिल्म के कैसे डाल बा कि ना? घबड़ो मत आइल बा। हाइले मैंने प्यार किया साजन। अरे मर्दवा हम एक बात नहीं करत, ओ फिल्म के बात करत नहीं। अरे तो हम हूँ कौन दूसर बात करता नहीं, हिंदी में टाइटल बार अंग्रेजी में काम बा। देख बस सरउदी नोकिया के गोटिया निकल जाए। अरे बाप रे बाप, सही कहते रे भाई। एकदम दहिया में सटाते ही गर्मी महसूस होके लगा। बुखार छूट जाए तो बुखार। हाँ ठीक। अरे सुन रे ए सनिया। हाँ भैया। अभी VCR लावे खातिर चंदा के व्यवस्था करे पड़ी। हाँ। तब ना रात भरी सिनेमा के मजा लेवल जाई। ए महाराज भुला गए का? अरे मुखिया जी पूरा गांव वालन के फिल्म दिखावे के इंतजाम कैले बाड़े, गाँवे में एक गो VCR तब दूसर का कहाँ से आई? ई बात में तो दम्बा तोड़। खैर छोड़ना, आज हिंदी के मजा लेवल जाए और कल रात के ही इंग्लिश के भी मजा लेवल जाए। अरे सुरे। हाँ। एकरे का बड़ी जीव जान से रखी है। हाँ। जात तने हम घरे। आ तू टेंशन मत ले भाई, एकरा तो हम करेजा से सटा के रखम जान से बढ़ के। भैया भैया एगो सिगरेट वा और दे दा। भाग ना लसा। पिया सिगरेट में जान बसेला। अरे बाबा बड़ा मजा आवत। अरे दादी माई खा करते रे। जुग जुग जिया। अरे हमार बबुआ आ गए ले। खुश रहा खुश रहा। और सब समाचार? अरे ये का रे कितना दुबरा गिल बाड़े। अरे खाद पीतना रह ले का? खाद खाद दारा सिंह हो जाई। अक्सर माई लोग सुखाड़ी है पहलवान नजर आवे ले बेटा हमेशा। और बेटा? अरे बाबूजी घोड़ा खुश रहा खुश रहा। जितेंद्र बाबू तू आ गई ला। अरे भौजी। अरे नाना तू हमार गोल ना छुआ, तू अपन हाथ मुंह धोला, हम तोरा खातिर खाना लगावता नहीं। अरे कई दिन के बाद तो रात खाए के मिली कमाई। और काल चाल बा जितेंद्र? खुश रहा। अरे हमरा ओते तू कहां जाए लगला? अरे वो गन्ना के भुगतान लेवे जाता नहीं, काल आ जाए। ठीक ठीक बा ठीक। जा आराम कर। ठीक है भैया। चला तनी बाबूजी। खुश रहा खुश रहा खुश रहा। ए बेटा यहां आवा। हां बाबूजी। ए बार कुछ उम्मीद बाकी हर बार की तरह ए बार भी? अरे अगर एक 20 सीट निकली वो जितेंद्र तिवारी का नाम के निकली बाबूजी, ये 100% गारंटी बा। बेटा पिछले 5 साल से तुहार गारंटी सुन ली है हम, लेकिन रिजल्ट देख के आज तक ना मिलल। आए बड़का मौसा कलाई का पहले ही बार में पीसेस में सिलेक्ट हो गई। आए अब पूरा रिश्तेदारी में हंसूटा कि 5 साल में टुकु चंगा बोला। अगर ये बार भी IAS ना बनला ना पूरा जिंदगी तो हर किराना की दुकान पे कटी। अब के लड़का के डरवावे लगला, बड़का कलेक्टर के बाप बनल हुआ। असल बात मुंह से ना निकली अम्मा जी, मुंह चुराए की आदत आज के थोड़ी ना है। का मुंह चुराओ का डाटा है? बेटा ये लोग चाहता तोर ब्याह करें जल्दी से, तू का चाहता ना? अरे नाना, अरे अभी ब्याह कर ले थोड़े बने की ब्याह करब। वाह बेटा वाह, दिल खुश कर डाला। देखा हो सुन ले ली हमारे बेटे को बात, ये अभी ब्याह ना करी ये बैठ के भगवान का भजन कीर्तन कर। हाँ सुन लेनी और दुल्हन तू भी कान खोल के सुन ला, ये बाप बेटा के चक्कर में तू जिंदगी भर आलू काटत मर जाएगी और हम मटर छिलत छिलत मर जाए और हम चाय बनावत बनावत मर जाए। सबके गुड़िया के हाथ के ही चाय चाहिए ना बाबा, अब हमरा से ना होई। जा छोटकी भाभी के ले आवा ना तो चाय की सेवा समाप्त। चाय के सेवा समाप्त, टोटल बारात को तोहरे बनाओ बा का चाय? जब है? करे के पड़ी नू तब पता चली। खैर कलेक्टर साहब के दूसरा के दुख दर्द से का मतलब बा, जाता नहीं तोहरे खातिर चाय लेके आवा तनी। ए दे दांत काहे चेरा तरे रे, ते हमके ई बताओ तो बिया अभी करबे कि बुढ़ोती में करबे? हां अरे माई हम दांत थोड़े जी आर तनी, और ए ए विषय में हम का बोली तोहरे लोग के जिसन ठीक लगे खा ललो का? कैसे ठीक लगे? अरे ब्याह बिना फरकत बड़े का और
तुहरे कलेक्टर की तैयारी का क्या हुई? इतना पैसा लगल बा तोर बाप लगे दिया। अरे सूर्य तू ही कहले बड़ा तो तू ही पूछ ला। आपस में तुहे लोग फैसला करो तो मैं हमारा का घास हटता रहो। ए हट रे ए जितेंद्र के बाबूजी, जब लड़का हाँ करा तब ब्याह करते तर वो टांग खाए अड़ाता नहीं। हाँ अरे भाई हम टांग खा रहा नहीं। अरे हमार कहले बदल बा कि जब मेहरी आई ते कलेक्टर बन पाई। अरे चरवाहा ना बन पाई, चरवाहा बिना। ए धर्मेंद्र मुंह मत खोलवा, सब लोग के अपने जैसे बुझले बड़े। अरे मेहरी आए रह तक चार चार दिन तक कोबरे से बाहर ना निकल रहे, याद बा कि ना? अरे अभी है कुल याद रखा आए? लेकिन बाकी हम आठ फैसला ले बानी। एक रुपया हम तबे करब कलेक्टर बनला के बाद वो कोनो बड़का घर में। अरे लगाओ रे जल्दी। हाँ चाचा लगाओ, तेन रुको ना। का करता रे रे छंगरुआ, बहुत बढ़िया सिनेमा है, बहुत बढ़िया। लगा बेटा। का खोजता रे रे? मुखिया जी लागत हम के सिटवा लाइल भुला गई नी। अरे सरवा जब दुआरे पे आई बारात तो समधन के लगल हगास है सारा मौका पे मूड बिगाड़ देले। जो जल्दी लेके आओ। हाँ बस तुरंत जाते तुरंत आओ थे। जो ले आओ। बहुत जानदार जबरदस्त सिनेमा बा खायल। अरे धर्मेंद्र हम हो देख ले वही में बलवंत राय वही में ना। हाँ, हाँ, बहुत बढ़िया हुआ हुआ गदरवा हुआ अमरीश पुरिया। बहुत मस्त पिक्चर है। लगाओ लगाओ। ए बक्सोनर आपका देखा तारे रे। मुखिया जी फिर से गलती हो गई। आपका भाई रे घायल के जगह मैंने प्यार किया उठा लिया ही नहीं। अब मैंने प्यार किया होना चली। अब तो देखा हम जाती है धर्मेंद्र। अरे लाइकन में मत फूत का, बहुत बढ़िया पिक्चर है हम देख ले बानी। मैं कबूतर चिट्ठी लेके जा रहा फुतुर 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 फुतुर। जा कबूतर जा वाला है। वाह वाह बहुत बढ़िया लगा 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 कबूतर उड़े वाला। अरे अरे चंगारू। अरे अरे मत लगा, 30 बार हम फिल्म देख ले इलाहाबाद में। हां इलाहाबाद पड़ेगा ने पिक्चर देखे हैं कौन। अरे अरे बाबूजी कबो कबो जाकर देख रहे। साजन लगाओ मुखे साजन। ना साजन ना सजनी ना हगनी ना पादनी। हां अब लगी मैंने प्यार किया कबूतर जा। धर्मेंद्र हिंदी पिक्चर में अंग्रेजी टाइटल आवता आवेदन तो हमने की का फर्क पड़ेला, सब समझ में आवेला। इंग्लिश 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 सब। हाँ कबूतर उड़ जाई। अरे बंद कर रहे मुखिया जी बंद नहीं किया होता सारा मुखिया। हाँ अब ठीक है अब बंद हो गई। अरे कनेक्शन काट। अरे वो क्या ठीक बा। अरे ये अरे बंद कर। अरे हट हट। अरे बाप रे कौन चीज लिए ले रहे क्या मुखिया, इतना अच्छा कबूतर उड़ रहा है। अरे बुढ़ौती में यह कबूतर उड़ाई बस सारा हूँ है जाती पोता को उम्र हो गई तो। और तू कह रहे ऐसे मुंह बांध के देखा था सरवा। और तू चला दा चला दा घंटा चला दा। अरे अच्छा तो रहल है पिक्चर वा। अच्छा ठीक लगा था ऐसा पिक्चर भगा तू लोगों ने यहाँ से जा लोगों कौन पिक्चर ना देखिए। ए जा लोगों सब बंद कर रहे न जाने कौन पिक्चर लगा दे रहा। अरे कहत रहा मैंने प्यार किया, यह मैंने प्यार किया। अरे उतार के चार चप्पल मारा बस।
मुकेश माफ करिए, पूरा गांव को व्यवस्था बिगाड़ दल है। घर जा लोग, इधर में नर बुढ़ौती में कबूतर उड़ावता रहे, मग जा लोग सब गंदा पिक्चर रही सब। ए बाबू सुन, वीसीआरवा और कैसेटिया दोनों लेके हमारे घरे आ जाओ। ये सब पिक्चर पगला अकेले में देखल जाला सबके सामने ना। हां जल्दी से लेके आ जाओ, जल्दी लेके आओ, हम जोता नहीं घर, जल्दी लेके आओ। वाह क्या बात बा, अरे तहार तो बड़ा डिमांड बा हो। अरे तो डिमांड में रही ना, शहर में जाके पढ़ाई करेला ऐसा उसे ना कलेक्टर के पढ़ाई करेला कलेक्टर के। बाबू न्योता लिख, आज जितना पढ़ा लिखल वाला ना एजी पे झोंक दे। हाँ जी नाम बताए, नाम बताए। हाँ जी दिलीप। दिलीप का? दिलीप रावत। गांव कहाँ रहो? अरे यही बगलिया में सराय मोहन। आज कितना कितना लिखे कबा? 51 रुपया। 51 रुपया। हाँ यू आर डन। का क्या कर रहा है? अरे यार और हो गुरु जाए। अरे नहीं नहीं ऐसे पहले जो उन कले रहा वो है ना बहुत अच्छा लागत रहे सुने में। सुना राम जी के कथानक की तरह रात भर सुनावल जाई। हाय लड्डू पकड़ा आ निकला जा, 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 जा। अरे चला अच्छा है ना कि लड्डू मिल गए। कहे के मतलब ना कि शर्मा जी जो दिल रहे ना उनका रहे 1000 रुपया। का नाम? दीपक। दीपक दीपक ला कतना? 153। 153? अरे ये कौन हिसाब है भाई? हमार 3 गो बहन, पहल की बहन में 51 गो रुपया, दूसर की बहन के शादी में 51 गो रुपया, अतिसर की बहन में भी 51 गो रुपया देले रहला, पूरा भइल नु 153। इतहार फुफा के इकलौती लड़की है, 153 काट ला। तो फसा देला 500 रुपया के नोट देले, 500 में से 100 रुपया घटा दे तो 400 और 400 में 300 का हो। कितना क्लास ले पढ़ल हुआ? अरे भाई IAS PCS के तैयारी कर रहल बाड़े, हमार भतीजा हमें हरमिंदर के बेटा। IAS के तैयारी कर तारे और गणित में इतना कमजोर? अच्छा हम का गणित से तैयारी कर ले हैं? हाँ हमार सब्जेक्ट जनता रखा है, सेंट हिस्ट्री है, प्राचीन इतिहास बुझला। सीधा सीधा 200 रुपया काट ली। हाँ ये भाई बात, चलो 300 दे देता। नहीं 300 ले ली। ले ला। जान बाचल यार, बैठल बैठल ना बेइज्जती हो गई, सच में तो रहना जोड़ घटाना आ गया। अरे बुढ़ बकवा, अगर 100 में से 50 घटावे के रही तो झट दुकू घटा देती, कौन हम कैलकुलेटर है का? अरे कैलकुलेटर नहीं खा तो गांव वाला के तो पता बना कि तू कलेक्टर बने वाला बड़ा। अरे हाँ यार गांव वालन के तो पता बा कि हम कलेक्टर बने वाला है, तोरा पता बना कि हमारा का वेला? हाई स्कूल में 30%, इंटर में आई और बी ए में 44 क्रास करके पास करनी, इतने में का हम कलेक्टर बन जाए। हे भगवान हे भगवान, तू एकदम ना रंगा सियार बड़ा तू, और हम ठहरनी बेवकूफ, हम ही सोचत रही ई बार कैसु ना कैसु करके तू कलेक्ट्री में टॉप करवा। एगो बात बतावा कि तू 5 साल से इलाहाबाद में करत का रहा? देख घर के लोग को तो इच्छा बा कि हम कलेक्टर बन जाए, बाकी हमार का चॉइस बतानी के तो पता है। फिल्मिया कहाँ से देखते, इलाहाबाद से ना लेके आई थी ता, और सिगरेटवा कहाँ से जगोगता हो? काम कर रहा कि 10 साल और एग्जाम दे तू। अगर अब की बार रिजल्ट में ना लू तो बुढ़ावा किराना दुकान खोल के दुकान पर बैठा दिया, रहल मुश्किल कर दी हमारा के घर में। मामला तो गंभीर बा भाई। देख गांव वालन के नजर में तो बेइज्जती होकबे करी, उ कहा है कि अभी एगो हमार बड़का मौसा के लड़का PCS के एग्जाम निकल ले बा, वही दिन से बुढ़ावा सुन ले बा छाती पर चढ़ा रहता हमारा, खाइल पेल मुश्किल के लिए रहता हमारा के। एगो आइडिया बा भाई। करी पागल इस कारे? अरे पागल वागल नहीं की हम। पैसा फेंक और तमाशा दे। पैसा के चक्कर में ना जॉन कबो ऊ छाप दे, इतना तो हमार सैलरी ना होई जितना रुपया लोग दे दे नहीं। लेकिन कोनो गड़बड़ तो नानू होई? अरे महाराज कोनो गड़बड़ ना होई। दरअसल बात ही बना कि एकर बाबूजी मरे वाला बा।
एगो पाँव कबर में बा, एगो पाँव केला के छिलका पर, हंसत खेलत जइहन ते ठीक ना रही। हाँ, ये तो पुण्य का काम बा। तब बन जा पुण्य के भागीदारी, बड़का बड़का अक्षर में नाम छापे कर पेपर में। आ सुना, ओही दिन छपी है जे दिन आईएएस के रिजल्ट आवे वाला। हां तरो लोग चिंता ना करी, जौना दिन आईएएस के रिजल्ट निकली ओ दिने पेपर में छपी झापा झोप झापा झोप झापा झोप झापा। कलेक्टर हो गई ना भाई, देखा हा? अरे देखा अखबार में खबर छपल बा, गौरा बाजार के जितेंद्र तिवारी ने क्लियर किया आईएएस। अरे का जितेंद्र कलेक्टर बन गए ले? अच्छा जितेंद्र कलेक्टर बन गए ले? जितेंद्र कलेक्टर बन गए ले? जितेंद्र कलेक्टर बन गए? जितेंद्र बाबू कलेक्टर बन गए ले? का जितेंद्र कलेक्टर बन गए लन? जितेंद्र कलेक्टर बन गए लन? जितेंद्र कलेक्टर बन गई का? का जितेंद्र कलेक्टर बन गई? गौरा बाजार के जितेंद्र तिवारी ने क्लियर किया आईएएस और बने कलेक्टर। हाँ, जितेंद्र बाबू कलेक्टर बन गए का? हाँ हाँ हाँ, हमार बटवा कलेक्टर बन गई। हे जितेंद्र कुमारी, हे देखा हमार बटवा कलेक्टर बन गई। हे देखा अखबार में लिखल है, गौरा बाजार के जितेंद्र तिवारी ने क्लियर किया आईएएस और बने कलेक्टर। हमारा कलेक्टर कैसा हो? जितेंद्र भैया कैसा हो? गांव का बेटा कैसा हो? जितेंद्र भैया कैसा हो? गांव का बाप कैसा हो? धर्मेंद्र भैया जैसा हो? बन गई ले भाई, बन गई ले जितेंद्र कलेक्टर, बन गई ले। खुशी के बाहर झूमे गौना जवार, आइल खुशी के बाहर झूमे गौना जवार, मिल गईल काम अभी सबके उमड़ा ता प्यार। पाटा मिठैया हो पूरा भइल खा, पाटा मिठैया पूरा भइल खा। बन गईले बबुआ कलेक्टर साहब, बन गई ले बबुआ कलेक्टर साहब, बन गई ले। हाँ हाँ, बन गई ले बबुआ कलेक्टर साहब। बिजबा मैरिट में टॉप सबसे आई बा, नाम अखबार नचा गावा ढोल बजावा जागल बा भगिया, मारे खुशी से झूमा तटे दिलवा के बगिया। मानल मनौती बुराइल बाज, मानल मनौती बुराइल बाज। बन गईले बबुआ कलेक्टर साहब, बन गईले बबुआ कलेक्टर साहब। अरे बन गईले बबुआ कलेक्टर साहब, बन गईले। पुलिस पुलिस रही है अर्दली, बन के साहेब बचवा लाल बत्ती से चली। मालिक जिला के रहिए नहीं रुआम, मालिक जिला के रहिए नहीं रुआम। बन गए ले बबुआ,
का भाई? देख, कलेक्टर लड़का मिल गई। अरे वाह, चल चल जल्दी जाए के बा। ए ड्राइवर, अरे गाड़ी निकाल, गाड़ी निकाल। लड़का से निकल जा, जल्दी चला। चला 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 जल्दी चला। देखी, हमरा के फाजिल बतकही करे का आदत नहीं थे, तो सीधे सीधे दाम लगाई और कलेक्टर दामाद पाई। शुरू करी बोली, 1,00,001 एम्बेसडर के साथ। 1 एम्बेसडर गाड़ी के साथ 1,10,000 रुपया नगद दे। 1,20,000 नगद एम्बेसडर गाड़ी। 1,30,000 एम्बेसडर गाड़ी हाईवे पे 2 बीघा जमीन। ये भैला रिश्ता जोड़ा वाला बात। अरे भाई बोली, नहीं तो लड़का हाथ से निकल जाई। अरे हमार जितेंद्र बाबू कौनो मैनेजर और क्लर्क ना बनल बाड़े, कलेक्टर बनल बाड़े। हाँ, गांव समाज के लगा के चाही कि कलेक्टर से रिश्ता भइल बा। अरे 1.5-2 लाख तक इंजीनियर और डॉक्टर के मिल जाला महाराज। बोली 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 लोग, अरे इतना का सोच रहा बानी, कलेक्टर दामाद मिल रहा बा। हाँ, सस्ता में ना बिकाई है हमार कलेक्टर साहब। ठीक बा, हम 1.5 लाख रुपया दे दे बाऊ। वाह, ये बात सही लगल हमरा के। 1.5 लाख 1, 1.5 लाख 2, 1.5 लाख। हाँ। हाँ बोला। अरे इतना खर्चा तो शादी में खर्च हो जाए, कुछ माहौल गरमावा। अरे फाजिल बात कही ना धर्मेंद्र, माहौल गरमावत है। अरे का बात करता रे, धीरज रखा तन। 1.5 लाख 1,75,000 अपन फार्म हाउस जितेंद्र बाबू के नाम। बकरा समझ के हमारे माला पहनावल जाता रे, तोरा सच्चाई पता नहीं है। बाबूजी के रिजल्ट वाला बात बतावे के पड़ी। ये देख, ये सही शेर है। 1,75,000 एक, 1,75,000 दू। एक मिनट बाबूजी। बाबूजी, हम कलेक्टर सेलेक्टर कौन नहीं खे भल मुखिया जी, पैसा देके पेपर में छपावल है, रिजल्ट हमार नहीं खे आई। का मतलब? हाँ, ए ई का बोलता रे, पगला गेल बाड़े का। हम सही कहा था। सही कहा था रे, ते हमनी के धोखा दे रे, इतना बड़ा झूठ। हे भगवान, हे भगवान। का भाई, सिचुएशन अच्छा नहीं है। माई के बीपी के बीमारी बा, अगर ये बात बता देनु तो कुछ भी हो सकता, शादी से इनकार कर देता। साफ भी मर्जी और लाठी भी ना टूटे। 1,75,000 दू। एक मिनट मुखिया जी, क्यों हमरो से पूछो कि हम का चाहता नहीं? ये का चाहता? अरे हम बियाह हुआ ना करब। पगला गेल बड़े का, काहे ना करबी? जब ले ज्वाइनिंग ना ही बाबूजी, तब ले बियाह सिया कुछ ना कर। तोरे तैयारी के चक्कर में ई खांची भर का कर्जा कमारे पे तैयार भइल बा। हम कहले कह रहे कि तू कर्जा लेके पढ़ावा हमके। फाजिल बत कहीं ना जितेंद्र, बड़न के बीच में बच्चन के ना बोले चाहे। चुपचाप जाके कुर्सी बैठा 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 है मगर हुआ, बैठा जा बैठा। समझ रहे क्या? अजीब पागल लड़का है, कुछ भी कर। 1,90,000, 1,95,000, 2 लाख पूरा पूरा 2 लाख, 2,05,000, 2,10,000, 2,15,000, 2,20,000। अरे मुखिया जी, सीधे सीधे 2.5 लाख कर देता नहीं, समझाई कलेक्टर साहब। वाह, ये बात भइल ना, 2.5 लाख। अरे का भइल भाई, सबके सांप सुन गइल का? बोली लगावा लोग, अब केहू माइकल लाल ना बचा ला का? चला फिर इन्हीं के फाइनल करे तानी। इन्हीं के घरे जाई कलेक्टर दामाद। 2.5 लाख एक, 2.5 लाख दू, 3 लाख। Thank you.
पड़ी तो 50,000 और दे। अरे कहो धर्मेंद्र। ओके ओके। फाजिल बत कहीं ना जितेंद्र, इतना पैसा था मंत्री के भी ना मिलेला। मंजूर है, मंजूर बा। अरे वो लोग जाएं, बोली हो गए खत्म जाएं। शादी का कार्ड पहुंच जाए, ठीक है? खाया जाइए, ताकि आप तक चट मांगनी और पट दिया होई। दिया मिलल बाटे जीजा कितना टाइट हो, उनके रखिया तनी हाइट हो। दिदिया ससुरारी में जाके हमनी के कहीं भुला तो ना जाइबू। ना। अरे आज मेरे यार की शादी है, आज मेरे यार की शादी है, मेरे यार की शादी है, मेरे यार की शादी। कहो अरे संजिया से खड़ा बड़ा का बारात में जाए के चक्कर में। अरे लेकिन रात हो गई, बरतिया निकलल काहे ना अबले। हे मगरुआ, एने आओ जी। लाल बत्ती का जुगाड़ कर कहीं से भी। अरे कलेक्टर का बारात है, बिना लाल बत्ती के निक ना लगी। लेकिन मुखिया जी, गरीबों के मिथुन चक्रवर्ती लेकिन के भेज नहीं हर और हई पकड़। लाल पियर हरियर गुलाबी जवन बत्ती मिले लिया के लगा दे धाप से। लेकिन मुखिया जी, हाँ लाल बत्ती तो सरकार दे लेना। हाँ। सरकार जब दी तब दी। अरे अभी कैसे पता चले कि कलेक्टर का बारात है? तारा रा 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 रा। दीदी जीजा कलेक्टर बाड़े, अब तो घूमो ना लाल बत्ती में। बादाम दीदी खूब खियाई हा, सांझ सवेरे उनके दूध पियाई हा। बहुत हो गई गाना, अब ब्याह हुई कि ना? अरे बाप रे बाप, कितना सुंदर लगा तारु, केहू के नजर ना लग जाए। चला बरात आ गई। तनी अपन चांद का टुकड़ा करता देख ली। अरे प्रेमचंद, विलियम शेक्सपियर, ये कैसा हो गई? हमरा यकीन नहीं होत कि तू तू बड़। यकीन तो हमके भी नहीं होकर जी कि आप इतना जल्दी कलेक्टर बन जाए। हमरो के यकीन नहीं होत कि हम कैसे कलेक्टर बन गए। हाँ? एक शिष्टा जरूर होला, जेकरा के दिल से चाहना वो मिल जाला। बात मत बनाई, पहली मुलाकात में तो ठीक से जान पहचान भी ना होला। हमरा से होला ना, देखा ना हो भाई। मौका देख के चौका मारे तनी का कलेक्टर साहब। तू खुश बाड़ू नू?
हम खुश बने और तुहर साथ रही ना हमेशा खुश रह। हम आपके साथ बने। छटाक सरसों डाला, अदरक कूट के डाला, देखा भाग से भरी, भाग भाग। मुखिया जी, हाँ, इतना शानदार शादी ना हम जीवन में नहीं देखले रहनी। बाप रे बाप, इतना छोट गांव में इतना भव्य व्यवस्था। जितेंद्र के ससुराल वालन के भाई माने के पड़ी। सही कहला पाहुल, मर्दवा आठ आठ किस्म के तरकारी रहा लो, कौन खाई कौन छोड़ी समझे में ना आवत रहे मर्दवा। अरे तरीका, अरे वो गुलाब जामुन के तरकारी ना भाई, बहुत बढ़िया बनल रहे। गुलाब जामुन के तरकारी? हाँ, बुड़बक, गुलाब जामुन के तरकारी ना रहे, वो कोफ्ता रहे, कोफ्ता। इतना तारीफ तू लोग कर रहल भाड़ा, जौन मेन आदमी हो के तो क्रेडिट नहीं के देता रहा लोग। अरे वो लोगन के बस के रहा सारा इंतजाम। अगर हम गाइड ना कैले होती तो किरण देवी छितरा गईल होती। अच्छा, तब का पता न का तू लोगन के। अरे कलकत्ता के मिस्त्री से लेके और सुल्तानपुर के फूल तक सारा व्यवस्था। अल्लाह के दशरथ यादव मुखिया। ए मुखिया चाचा, हाँ, तब तने ही बात पर मिठाई उठा मंगवाई, मीठा खा के रहा और किस्सा कहानी सुनल जाए ना, तब कहानियों में थोड़ा मिठास आ जाए। ऐसा बात बा। हाँ जितेंद्र। हाँ चाचा। अरे जितेंद्र के बोला बैना लेके आवे हो, सब बैठल बा हो मिठाई खाए खातिर। ए मुखिया जी। हाँ। अरे भौजाई आवे दे तब तो नहीं है कलेक्टर साहब। अरे हमनी खातिर
टाइम नहीं खे बा उनके पास। अरे तो कलेक्टर साहब से का करे क्या तो के तो मतलब मिठाइया से मिठाइया का लोग हमरा से एडवाइस लेला कि बतावा कैसे का करे क्या हम बताइला ऐसे मुखिया चाचा। हाँ हैला लड्डू बहुत स्वादिष्ट बा। हमरा के बताता रहा। अरे प्रतापगढ़ से हम ही तो ऑर्डर देके मंगौले रानी। ए भाई हाय हाय लिपस्टिक के दगे तो नहीं कम से कम छुड़ा ले रहे तो गरीबों के मिथुन चक्रवर्ती यहाँ करे तोरा के तनिको लाज शरम नहीं के यहाँ बूढ़ पुरानिया लोग बैठल बाड़े और उनके सामने लिपस्टिक का बात कर रहे तू लोग दांत में चियारा लड्डू खा चुपचाप ला मिठाई चाहिए। ए जितेंद्र उठ ना रे कितना सुत पे। अरे बार अम्मा जी गुड रात खुश रहा सदा सुहागन रहा एक इलेक्ट्राइन कोनो दिक्कत तो नहीं खे भइल ना। ना अम्मा जी कोनो दिक्कत नहीं खे। अच्छा आज ना तुहार चूल्हा छुआई के रसम हो कुछ मीठा बनावे के पड़ी। मीठा एक काम करिया खीर बना लिया ठीक बा। अरे उठना रे खीर जो हे भगवान खीर कैसे बनी। ए जी ये तो बहुत बड़ा टेंशन हो गई। अरे का तोहरा टेंशन हो गई बा। आमा जी कहनी हा खीर बनाओ के हम आज तक तो रसोई घर में भी नहीं की गल जी खीर कैसे बनाई। अरे दूर हो यही में तू पगलाइल बड़ू रुको तोहरा का तरीका बताओ तो पागल का तरीका झूठे परेशान होता है। हाँ लो ई का जी स्वादिष्ट भोजन बनावे के तरीका एमे 12 प्रकार के भोजन बनावे के नियम लिखल। अच्छा एमे खीर भी बनावे के नियम बा। अरे वाह ना। अरे वाह ये तो बहुत अच्छा किताब बा। हाँ हाई देखो लेकिन अम्मा जी के सामने जब हम भानी तो तू चिंता मत करा सब हो जाए। अच्छा वाह हमर कलेक्टर साहब। अगरबत्ती आलू में खोसता ए जा रख दी। हाँ हाँ दीदी जी दूध दीता अजय रखल बा अम्मा तनी पकड़ा दी। हले संभाल के दीदी चावल। हाँ हम देते हैं इला दीदी जी। हाँ। चीनी चीनी इला बनी चीनी। ए जितेंद्र। हाँ 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 भैया। हाँ ऐजा का करता डे। हाँ, अरे पढ़ा तेरे भैया ऐजा। हाँ रसोई में। हाँ जाके कमरा में पढ़ाई करा। सुनीता खाना बनावत रही तो देखत रही। हाँ ब्याह हो गई ना त
तो चुलिए में घुसल रहा दीदी जी। हाँ? तनी काली मिर्च दीता। काली मिर्च? हाँ, पांच दाना। दीदी जी लौंग दीता। लौंग? अम्मा लौंग? पांच दाना बा। दीदी जी अदरक दी। अदरक? हाँ हाँ दुल्हन इला। अरे अम्मा जी इतना बड़का नानू चाहिए, थोड़ा सा चाहिए इली। जितेंद्र के बाबूजी, राजेश जल्दी आवा, कलेक्ट्राइन के हाथे के बनल खीर खा ली। अरे वाह, का बात है बहुरानी। वाह। हले रवली। हाँ, जितेंद्र के पिता। हाँ। एकदम घर में लक्ष्मी आ गई। सही कहा ताड़ा। रवली बहुत बढ़िया। हाँ बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मजा आ गया। वाह बहुत बढ़िया बनल। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अरे कदम पाली पिला रे।
ए बहू है ना आबा? हाँ बहुत अच्छा बनल, ला ये हमरा तरफ से। खुश रहा खुश रहा खुश बहू, ये हमरे तरफ से। दुल्हन इला अपने जेठ की तरफ से। बहुत बढ़िया। अकले ट्राइंग ये हम की देता, तू जा। ठीक बात दीदी जी। करो पानी पिलाओ रे। हाँ, अब बेला अपने बाबूजी खाते पानी लिया। पानी पिलाओ रे माय, अरे माय रे माय। भगवान के बहुत बहुत धन्यवाद बा कि खीर अच्छा बनल बा। अरे हमके माफ कर दी। का भेल बैठा, का भेल बेटा? अम्मा जी हमार बनावल खीर इतना खराब रहला, फिर भी आप लोग कैसे खा लेनी है? और शिकायत तो छोड़ी, उल्टा आप लोग तारीफ है कहनी है। कहे से कि बेटा तू कोशिश कैलू हा, और जो कोशिश करेला ना ओकर उत्साह बढ़ावे के चाहे ना कि तोड़े के चाहे। अब तू हमरे घर के बहू ना, हमार बेटी बाड़ो, ऐसे तुहार गुण अवगुण सब हमरा के स्वीकार बा। अम्मा जी, अम्मा जी, हम जरूर कौनो पुण्य कैले होखम जे आपके जैसन सास हमके मिलनी। ए कलेक्टराइन, तू हमरे घर के आन मान बाड़ो, हमनी खुश नसीब बानी कि तोहरे जैसन पतो हमरे घरे आई, हमके मिलल। टेक पड़ल बा बबुनी तोहरो हमरा घरबा में, अजब गजब खुशियाली चहकल सबके आज जियरबा में। देवरानी के रूप में जब से तोहके पमले बानी हो, लागल हमरो छोट बहनिया बनके आइल देवरानी हो, बनके आइल देवरानी हो। हमारे दीदी तोहरा बोली में बा सुखवा हजारे
मत से केहू के अंगना उतरे बहुरानी हो। बन के सुहागन ससुरा जाए जहिया हमरो धियवा हो। कमी ना खरी धर्म के पवली अपना घरे बिटियवा हो। अपना घरे बिटियवा हो। तोहरो बनल रहो सेनुरा सिंगारे बेटी। घर के लक्ष्मी हाउ कैलो घर गुलजारे बेटी। तोहसे चहकल हमर आंगना दुआरे बेटी। घर के लक्ष्मी हाउ कैलो घर गुलजारे बेटी। बड़ा ठंडा भाई यार ला भाई। अरे ना रह दो। सुन ले तो रही कि इंसान शादी के बाद बदल जाला, मगर आज देखियो लेनी तहरा शादी के 7 दिन हो गई। आए जितना सिगरेट तू 1 दिन में पी जाता रहा, हमारा तो लगा था कि 7 दिन मिला के तू नहीं खपी ले। अरे यार मुंह महक लगा था जाता नहीं हरे था। सुना शादी के लड्डू कैसा लगल तनी बताओ ना हमरो। शादी के लड्डू जब शादी करबे तब ना पता चले कैसा लगता। ना ना भाई छोड़ दे, हम जिलेबी और पेड़ुकिए से खुश बानी। जब मौका मिली तब शादी के लड्डू खा ले। जान तर मंगरे एगो बात बा कि तुर भाभी के बहुत ही बढ़िया स्वभाव बा। हमें पर बड़ा आश्चर्य बने कि इतना बड़ा घर के होके हमने सन घर में वहाँ के खप गई। बाकी जान तर रिजल्ट वाला बात हम बताई, अंदरे अंदर बड़ी दोषी अपना के माना था यार। हाँ, एकदम सही बात बा। मौका देख के सब बात भाभी के बता दिया। ये तो हर बात में बहुत दम बा, बता दिया। सुनीता, ये सुनीता। हाँ। तोरा से जरूरी कुछ बात करे करे। ए जी हम बहुत थक गए बानी, सुते दी ना। सुनीता आज बहुत थकल लगा तारी, कौनो बात नहीं के कौनो दिन अच्छा मूड देख के बता दे। दिन में पर लागल बनी। अरे पागल भइल बड़ू। अरे सुता छोड़ी ना। अरे भागत कहां बड़ भेने हवन जाए ना। जब हरी क्यों देख ली तक का कही कि घर घुसना हो गेल बड़। ठीक है तो कही कौन गलत कही। अरे की का गलत जी। अरे हो जितेंद्र, अरे तनी बहू के बाहर भेज। मार मुधई के तनी हमनियों के तो बात करे दा। अरे बाप रे बाप, दादी हमके बुलाओ तनी जी, जाए के पड़ी। अरे मार बुढ़िया के जाए थी हमके। ए सुन, अरे वो जरूरी बात बस सुन तो लो। हम सब मुझे तेरा जरूरी बात। ए बहू। अच्छा खासा मूड रह सुनीता के, रिजल्ट वाला बात आज बता दल रहती। खैर छोड़, फिर कबो बता दे। अरे बहू थोड़ा बहरे के भी हवा बयार ले ला। ओ दादी रवा पोता के ना कपार दुखात रहला, उहे दवा उतरनी। अरे बहू पहले पहले जब हम आयल रहनी ना त तोरे ददिया ससुर के बहुत मूड दर्द करत रहे। ई खानदान के सब मरद के एक ही जैसन हालत बा। बहू नरोता के अब मुँह दिखा दा, यही हमार आखिरी इच्छा बा। भाभी बाबू है ना तो सोना के चैन ले। हाँ। ए गुड़िया तोरा सोना ना रोल गोल के चैन मिली। तहरा से रोल गोल के ही उम्मीद बा कलेक्टर साहब। खैर हम भाभी से बात करतानी।
अरे ये बताओ, आज के पहले तो कभी पैर ना दबेले रहले? ओ का हा दादी ना, किन के हाथ दुखाए लगे, सिंह के मदद करके पड़ता। ए दुल्हन यो खानदानी आदत बा। जान तर दुल्हन, हां जब से तू आयल बाड़ू ना, हमरे कपारे के नोचनी खत्म हो गेल ह। ए चाची ठीक रहे। हां दुल्हन चाची, आवा, आवा। अरे बैठा ना। नहीं चाची बैठब नहीं, उ भौजी के मैका से फोन आइल बा, जल्दी चली। माई के फोन? अम्मा जी। हाँ दुल्हन के ले जाके बात करा दी ना। अरे हम चाय बिस्कुट खाता नहीं दुल्हन, तो ही लेके चल ना जा। अच्छा चला दुल्हन। हाँ चली। हेलो, गौर लगता नहीं माई? खुश रहा। कैसन बाड़ू? हम तो निमन बाती, तू कैसन बाड़ू बेटा? हम हूँ बहुत अच्छा मानी माई। ए बेटा तोरी संगी और क्यों बा का? काहे माई का भइल? सब क्यों यही जबा? बेटा वहाँ सब कैसन बा? सास ननद सब कैसे बा? तो के माने ला ना? सब क्यों बहुत अच्छा बा माई, सब क्यों बहुत माने ला। ननद वो तो एकदम छोट बहन जैसन, और सासू माँ एकदम तहरा जैसन, और दादी अपन सगा आजीबाड़ी ना उनके जैसन प्यार करेली माई। माई हमके तो कब्बो ऐसा ना लागत कि हम अपन घर छोड़ के एगो दोसर घर में आयल बानी। भगवान के लाख लाख शुक्रवा। वैसे भी तोहके ससुराल में थोड़ी रहे के बा, माजी के संगे मीम साहब बन के रहू। अच्छा बेटा जरा अपन सास से बात करावा, तो हर विदाई की बात करे के बा। हाँ माई दे तनी। समधिन जी प्रणाम। अरे समधिनी जी प्रणाम प्रणाम। रवा से एक बात कह के चाहता नहीं। हाँ। राउर बेटी ना लाखों में एक दिया, इतना सुंदर विचार संस्कार, ऐसा संस्कार तो एक संस्कारी माँ बाप ही दे सकेला। जब से हमरे घरे में आयल बिया ना, घर के हर सदस्य के प्राण बन गेल बिया। हमरा के तो बुझाला कि हमार एगो ना दू दू गो बेटी बाड़ी। अरे समधन जी इतना और बड़कपन बा। अच्छा समधन जी हम कहत रहनी कि सुनीता के विदाई करवा देती था। समधन जी विदाई खातिर तो अम्मा जी से बात करे के पड़ी। बकीर हम अपना कलेक्ट्राइन के विदाई के पक्ष में बिल्कुल नहीं खे। कलेक्ट्राइन के? अरे वो घर से चल जाइए तो केहू के मन ना लागी। अरे समधन जी दो चार दिन खातिन भेज दी, घूम फिर के चल जाई। अच्छा ठीक बा, हम अम्मा जी से बात करब। बकीर हाँ हमरे कलेक्ट्राइन के दो चार दिन से ज्यादा ना रोकब। काहे से की हमर तो प्राण बसेला उनकर आमे, हमार मन तो बिल्कुल ना लागी, और हमर पूरा घर सुना हो जाए। अच्छा रखा ताने प्रणाम। जी समधन जी प्रणाम प्रणाम। कलेक्ट्राइन जात समय तो हर मूड खराब ना करब सुनीता, जब तू वापस आ जेबी ना तब अपन रिजल्ट वाली बात तोके बता दे। ए जी एकाध हफ्ता में ले आवे आ जाए ना। एकाध हफ्ता? देखा एकाध हफ्ता तो दूर, तोहरा बिना एक पल रहल ना जाला हमरा। ऐसन कहब ना तो हम जाइबे ना करब। साँचो क्यों हली लगाई का? अब ना 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 जाए के पड़ी। अरे कहना बरखुरदार की तोहरा जाए के बमाई का? तो मजाक कर थर चला थोके छोड़ दी। चल चला। अरे संदीप जी, जी इस सब बात छोड़ी इकुलता होत रहे। जी आप सही कहते हैं। आराम से। हाँ अरे आप दुल्हन। हाँ कुछ ही दिन में ना तू हमनी के दिल में अपन जगह बना ले ले बाड़ू।
ऐसे मैके जाकर के ना बराबर फोन करत रही है, अपन हाल चाल देत रही है, ठीक बा ना? हाँ माँ जी। छटकी वहाँ जाके हमने के भुला मत जाइया। ना दीदी जी। बाबू जी गोड़ लागत है ना। दुल्हिन मैके पहुंच करके हमके फोन करिया, ठीक बा? हाँ माँ जी हम फोन ध्यान रखिया। समधी जी रघुआ हमरे बेटी के लेके जात बानी, ध्यान रखा। जी बिल्कुल। अच्छा चलते आवत रहब रघुआ घर बा। अच्छा एगो तू बात बताओ, अखिया से हंसुआ गिरल खाली बाकी रखिल बा? चुप रे मर्दे, फालतू के बकवास करता रहते, जाए दे माई कह नहीं जाता रही, तब ले इंतजार कर ले। दकियावा रात रात भर अब तो जोर तारे दियावा खातिर जुलूम बड़ी भाई ए बलमुआ मन के मनावा जल्दी आए बहुत दिन धरवावा मरिए नु जाई बहु घुटुके घुटुक के मैं हरी गईल नहीं हरवा मैं हरी गईल नहीं हरवा बलमरो सुसुक सुसुक के दो चार बुढ़िया मामा लगे बा। बाकी काला नमक चाहिए। हाँ हाँ 52 के लगे। कहो दुइया ठे चाय बा, हमरा खातिर चाय ना मंगौला हा। तिसरको आयल रहे ढार के पी गईले। अरे फाजिल बत कही ना ब्यास, कंजूस आदमी बाड़ा तू। अरे चाय बहुत बढ़िया बनल रहे। माचिस देले बड़ा माचिस दा। हाँ माचिस तो बा। अरे रुका रुका रुका। हाँ बा अरे जल्दी कंजूसी मत कुल करा भा, चाय हमू के मावा दहल करा। तू हूँ मर्दवा चायवा कुल पी गईला बतावा। इनके घर से आई लहू। इनके भरोसे मत रहल करा, इतना कंजूस आदमी बाड़ा।
सुना तारा का कहा तारन अरे का बताई तोहरा के यार खेती बहुत खराब चलता है लिया वा खैनी है खिया वा मत अरे का बता की देखा जितेंद्र तिवारी के आईएएस बनने की खबर थी झूठी लोक सेवा आयोग की शिकायत पर अखबार ने किया खबर को बर्खास्त कलेक्टर बनने का खबर झूठ रहे जितेंद्र के कलेक्टर की खबर झूठ रहे अखबार में छपल खबर झूठ रहे जितेंद्र कलेक्टर ना हो जितेंद्र कलेक्टर नहीं के का खबर झूठ रहल का कलेक्टर बने का खबर झूठ रहे का त्रिभुवन जी दीदी चल हमरे संग जी पागल हो गया बड़ा का बोल का ऐसा कह ले बोल अरे जब कलेक्टर बल्ले को कौन दो रहो तो का है झूठी खबर छिपा ले अखबार में अरे अब हम गांव समाज पे का मुंह दिखाई हमारे पूरे मुंह पे कालिक पोतिया लेते तेरे पढ़ाई का दिन हम इतना कर्जा ले ले सोच सोच के सांस ले हल मुश्किल होता बोल बोल का है झूठी खबर अखबार में छिपा ले बोल अरे बाबूजी तू तो धूम दहलरा कलेक्टर बने के बाद अब तो से कथिया भार करने की बाबूजी अब कलेक्टर ना बन पाई तू पर यारी हमें साकर रहला आज तक तू हमको समझ ला मेरे दिल के बात तू समझ ला जब से बड़का मौसी की लड़का पीसीएस के एग्जाम निकलस तब से हमारे का तू घर भरा मुश्किल कर देला ठीक बा हम मानता है कि गलती कोई नहीं बाकी अखबार भी अपन गलती स्वीकार की लस बात खत्म अरे नालायक ते भी आए का ती हाँ कहे कहले मना कहले रही बाबजी अब हमरा जब गलती का एहसास भेल तब तक ले जाकर तू लोग मंडक में बैठा देला हम सिर्फ इतना पूछल चाहता नहीं कि रहुआ लोग इतना बड़ा धोखा काहे कहीं नहीं हमार बेटी की जिंदगी बर्बाद कर देनी देखिन संध्यान जी केहू केहू को धोखा ना दिला सारा गड़बड़ी अखबार की गलती की वजह से हो गई बा अखबार वालन के कौनो गलती नहीं थे अखबार से गलती करावल गई बा मतलब ई कि पैसा खर्चा करके गलत खबर छपवावल गई बा ताकि हम जैसन बड़ा सामी फंस जाए और रउआ लोग के मोटा दहेज के सपना पूरा हो जाए देखिए संध्याएं जी हम आपके इज्जत करता नहीं एकर मतलब ही ना कि आप कुछ भी बोल दे इज्जत के खातिर जब पुलिस लेके ना आई ना तो पूरा गांव के 420 के केस में फंसा के जेल भिजवा देती फाजिल बदकाई ना समधन जी एक के गलती के सजा पूरा गाँव का भुगती जौने तेवर में उदिन कहले रहनी ना चट मंगनी पट ब्याह उहे तेवर में तलाक करवा दी तलाक अरे रउआ के बुझा तक का कहतानी आज तक गांव में तलाक ना भइल ह जोन आज तक ना भइल बा वो आज होकी काहे कि ऐसन धोखेबाज फरेब मक्कार के साथे हम रिश्ता ना रख सकी और हाँ कान खोल कर सब लोग सुन ली आज के बाद हमरे चौखट पे कदम रखे के हिम्मत मत करिया आज तो हम अपन बेटी के खातिर जब पुलिस लेके ना आईनी है लेकिन मौका पड़ला पर पुलिस के मदद हम ले सकिया इहे से कह रहल बानी कभी आवे के कोशिश मत करिया काहे कि हम अपन बेटी के तलाक मान ले ले बानी रहल बात दहेज के तो ओकरा के भीख समझ के रख लिया अरे संदीप जी अरे सुनीता अरे We'll be right back.
ए जी, दहेज की जितना भी सामान बाना सब गाड़ी में लदवाई और भेज दी समधी जी के पास, और बैंक में जितना भी पैसा बाना सब निकाली और समधी जी के लौटा दी। समधी जी की कैसे भी मनाई और हमरा बहू के वापस लेकर आई। अरे रोवा चुपचाप काहे बैठल बानी, सुनाई नहीं खेत का? अरे चुप काहे बानी? अरे कहां से पैसा लाए, कौन पैसा लाए? सिर्फ इतना लाए कि पढ़ाई में जितना कर्जा ले लिया है सब वो पढ़त पढ़त खत्म हो गए। सोचले रहली कि कलेक्टर बन जाए तो हम लोग दिन सुधर जाए, ये सोचो सोचो हम सब कर कर्जा भरत रह गई ली। कहां से लाए, कहां से? और तो ऊपर से उके के गल भी आके हमके तलाक चाहिए, अब बचल का बा? डॉक्टर साहब, देखी मरीज के दिल के दौरा पड़ल बा। कहा दिल के दौरा? लेकिन ये कैसे हो सकेला? वो हमेशा बीपी का दवाई खाली डॉक्टर साहब, ऐसे ना हो सकेला। देखिए का होला कि कबो कबो अचानक कोनो बात के सदमा लग गईला के वजह से भी ऐसा हो जाला। अभी तक फिलहाल सब कुछ ठीक बा, लेकिन कोशिश करें कि दोबारा ऐसा ना होके। लेकिन दोबारा ऐसा भइल तो कुछ भी हो सकेला यहाँ के साथ। फिलहाल हमने के यहाँ के एडमिट कले बानी, बीपी यहाँ के नॉर्मल होते ही हमने यहाँ के डिस्चार्ज कर दे। माई, हमके विश्वास नहीं के होकर कि वहां के इतना बड़ झूठा खबर अखबार में छपवा देनी। झूठा ऊ ना होकर पूरा परिवार हा। बाकी बेटा तू चिंता मत करा, हम तो हर दूसर ब्याह कराई। ब्याह कराई है ना माई? हमके कोनो दिक्कत नहीं है माई, हम बहुत खुश बानी माई, और वहां के हमके बहुत मानेनी माई। और अम्मा जी में तो हमार परान बसेल माई, हम ससुराल में बहुत खुश बानी माई। इहे तू धोखे बाजन के चाल बा, तहार बुद्धि हर लेले बाड़न लोग। ओकनी के पता रहे कि एक दिन भांडा फूटी और तू ओकनी के पक्ष ले, और कोई कुछ ना कर सकी। अरे जब बकरी ही कसाई खाती रोवे लागी तो दुनिया ही पछड़े में काहे पड़ी। खाली आपने ना धुनल जाला, कहाँ साबित भइल बा हो? कहाँ साबित भइल बा कि दामाद जी चाहे उनका घर के लोग इमें दोषी बा? अरे कोनो दुश्मनी निकाले खातिर झूठे अखबार में छपवा देले होई, रिश्ता तुर के चले लू। रउआ के आंख पे तो पर्दा पड़ल, बाकी हमके सब कुछ साफ साफ नजर आ। हम अपन सुनीता के उन धोखेबाजन के भरोसे ना छोड़ सके। अरे शादी में इतना बड़ा घात कहले, काल सुनीता के साथे कोनो घात ना करिए, ओकर गारंटी लेता नहीं आप? माई रिजल्ट के का सच्चाई बा ई त हम नहीं खी जानत, लेकिन इतना जरूर जानता नहीं कि वो लोग हमरा साथे कबो गलत ना कर सकेला। हमें के गारंटी देता नहीं माई, जब हम खुश मानी तो तोके का दिक्कत बा? एगो माई के बेटी की खुशी से बढ़ के और का चाहिए? कौना खुशी के बात करे तरु सुनीता? ओ मक्कार बेरोजगार के साथी जिंदगी में कितना खुश रह पाईबू? तू दिन
2 दिन में वो मकारन के साथे इतना लगा हो गई। अपन माई के टूटल सपना के दर्द नहीं के सुनाई पड़ा ना मैं। सुनीता, ऐसन जिंदगी देवे के सपना हम ना देख ले रहनी। ऐसन जिंदगी देवे के सपना कैसे देख सकीला? ये तो हम सोचत सोचत ही खुदे दुख से मर जाई। माई, ना माई, चुप हो जा माई, मत रो। यार, अपन कभी छिपाओ के चलते इतना बड़ा नुकसान हुई, हम कभी सपनों में ना सोच रहे। हमारे गलती की सजा हमारा पूरा परिवार भोगता। सुनीता चल गई हमारा के छोड़ के, माई के इतना बड़ा शर्मा लाग गई। यार अब खा कर दे। चुप हो जाओ, विनाश काले बाबू विपरीत बुद्धि होला। हमनी दोनों के बुद्धि पर पर्दा पड़ गए रहे। हाँ ना तो ये गलती कबो ना हुई, बुझला? मन नहीं खेला था यार, जीव बड़ी घबरा था। माई ठीक हो जाए ना? सब ठीक हो जाए। हाँ मंगरू, माई के कुछ होता ना नगल रे। अरे ना, सुब सुब बोला यार। चाचा, कुछ कुछ भाई बका। बेटा, तोरे माई के तबियत बिगड़ गई ला, डॉक्टर साहब आइल बाड़े। हे कलेक्टर आइन, माई कलेक्टर आइन, देखा ना कहाँ चल के लो। हमरे घर के लक्ष्मी चल गए। ए दुल्हन आ जाओ, ए दुल्हन कलेक्ट्राइन मिला दे हमरा के हमरे कलेक्ट्राइन से। हमरा के ले चली, हम मनाए, हम समझाए, हम समझाए कलेक्ट्राइन के। आजा, ए झटके दुल्हन, ए दुल्हन। चलिए चलिए। किसी वजह से इनके दिमाग पे बहुत बड़ा सदमा पड़ा है, जिसकी वजह से इनकी तबीयत दिन ब दिन बिगड़ती ही जा रही है। इनके इलाज के लिए सुनीता को आपको बुलाना ही पड़ेगा, नहीं तो मैं कुछ कह नहीं सकता। अमृत कुछ समझ ना होता मुखिया भाई। फाचिल बद कही ना धर्मेंद्र, समझ में कहा आवा था? अरे भौजी के मौत के मुंह में ना भेज सकी ला जामनी, कैसे भी जॉन भी करा सुनीता के लेके आवा। अपन ख्याल रख। हमार बेटी बहुत गुणवान ही है, बहुत। आप सबसे मिलके बहुत अच्छा लगा। नमस्ते। चंदन बाबू भी बहुत अच्छा बानी। लेन देन के जौन भी बात हुई हम बता दें। हाँ, चिंता ना करो। ख्याल रखो। हाँ। आई। नमस्ते। आई जी। नमस्ते। नमस्ते।
यहाँ काहे आ गेला लोग? इसे सही समय पे आइल बड़ा। ए त्रिभुवन जी, इनन के मुंह मीठा करावा। वैसे हम साफ साफ बोल के आइल रहनी, अब सारा रिश्ता खत्म। फिर काहे आ गेला लोग? अब जौने गोर से आइल बड़ा लोग, वह गोर से वापस चल जा। काहे कि अब कोनो ड्रामा ना चली। ना ना अम्मा जी, ये कोनो ड्रामा ना है। अब रवुआ के कैसे बताई? सुनीता से हमनी के रिश्ता टूटला के बाद माई के हार्ट अटैक आ चुकल बा। डॉक्टर कह चुकल बाड़े कि अगर ऐसा दोबारा हुई तो कुछ भी हो सकेला। माई जब से हॉस्पिटल से आयल बाड़ी तब से सुनीता सुनीता के नाम रट रहल बाड़ी। हालात बदतर हो चुकल बा। अम्मा जी सुनीता के जाए के आज्ञा दे दी। हमार माई के जान बचा ली अम्मा जी। सुनीता अब कहीं ना जाई। काहे कि सुनीता के 2 महीना बाद हम शादी तय कर देले बानी। उहो असली कलेक्टर से। अब तोहनी के परछाई ओकर ऊपर पड़े ऐसन हम होखे ना दे। निकल जाई रउआ लोग। फाजिल बत कहीं ना किरण देवी, रउआ शादी ब्याह के गुड्डा गुड़िया का खेल बना देले बानी है? केकरा से पूछ के सुनीता का दूसर ब्याह तय कहनी है? अरे सुनीता आज भी कानूनन जितेंद्र का पत्नी बा। ढेर कानूनी ना बतियाई मुखिया। ना तो एगो कंप्लेन करब तो राउर आधा गांव 420 के केस में जेल में चक्की पीसत नजर आई। अरे तो करी ना कंप्लेन, केकर इंतजार कर रहल बानी रहुआ। अगर बेटी के भविष्य के चिंता ना होत ना मुखिया, कताहारी इच्छा अभी के अभी ऐसे पूरा कर देती। हमनी के जेल भेजे का सपना सपना रह जाए किरण देवी। हाँ, और वो जो लड़का गायल है ना, अगर ओकरा से हमनी जाके बता दी कि सुनीता पहले से शादीशुदा बा तो रउआ का सारा खेल एजा खत्म हो जाए। चक्की पिसवाइया हमनी के जेल भेजवाई। ढेर धमकी ना दी, जोन करे के बजा के करी, लेकिन एजा से निकली चली निकली बाहर। बेशरम बड़ा का लोग, अब भी के अब भी जाई। मई अवन कुछ कहिए का ही हमने से। अरे ना माई, अम्मा जी हमके बहुत माननी माई, सबके प्यार दिखावा और झूठा हो सकेला, लेकिन अम्मा जी के ना माई, माई हमके जायदा ना माई। लेकिन माई हम कहा तानी ना, हमके जायदा अम्मा जी जैसे ठीक हो जाए हम चल लाई, हम तो के वचन देता नहीं माई। किरण देवी ये अच्छा मौका बा, एक तीर से 2 निशाना हो जाए, सुनीता भी मान जाए और इन्हन पर भी एहसान हो जाए। भेज दे किरण। आप लोगन के अजीजी और सुनीता के विनती पर हम जाए देता नहीं, बाकी हमारे को शर्त बा। 2 महीना बाद सुनीता के 25 दिसंबर के शादी बा, तो रउआ लो के सुनीता के 1 हफ्ता मेजा छोड़ के जाए के पड़े और उकरे बाद सब खत्म। चाहे के वो जिए चाहे के वो मरे, बाकी आप लोग ही चौखट पर दोबारा कदम ना रख। बहुत बहुत शुक्रिया और मेहरबानी किरण देवी। कुछ जलपान वगैरह ले लिया जाओ। आओ धर्मेंद्र। और हाँ एक बात और, तू ऐजा से वापस आइला के बाद हम जहाँ शादी तय कैले वानी तोहार, चुपचाप बिना सवाल कैले तू शादी कैले। कलेक्ट्राइन कल है।
ए छटकी दुल्हन, दुल्हन ऐ छुटके दुल्हन, दुल्हन ऐ दुल्हन ऐ छुटके। माँ जी, माँ जी आँख खोली, माँ जी हेलो। ए दुल्हन, मरत मेरा रूम में पता नहीं का का बात हो चला, कितना सच झूठ हो चला। फकीर के हो अपन घर छोड़ के थोड़ी न चला। हाँ माँ जी, फिर तू कहा चल गई। हाँ अपन घर छोड़ करके क्यों ना चला बिटिया, क्यों ना चला। वादा करा हमरा से, अब कबो अपन घर छोड़ के ना जीवो। हाँ माँ जी, हम आपसे वादा करते नहीं, अब कबो ना जाए। जितेंद्र, हे जितेंद्र। हाँ माँ। बेटा बेटा, तोरे एक गलती की वजह से दुल्हन घर छोड़ के चल गए रहे। अब दोबारा कोनो ऐसन गलती मत करिया बेटा। हमारे छुटके के ना हमारा मना समझ के रखिया। हाँ अम्मा जी के सामने रउआ हाथ में हाथ दिहत, हमार मजबूरी रहला, ओकर कोनो गलत मतलब मत निकालम। इतना गिरल इंसान ना ही सुनीता, और यह पति पत्नी के रिश्ता से नहीं की हमारे, हम तो से माफी मांग खाती आई ले। आज ही जोन कुछ भी हो रहा बा, सब हमरे वजह से हो रहा है। और तू जो हमरा कति कर रहा भरू, ई तुहार एहसान हम जीवन भर ना भूलें। जीवन भर हम रउआ ऊपर कोनो एहसान नहीं की करत, हम ई सब अपना अम्मा जी खाति करता नहीं। और हाँ, एहसान चुकावे की कोनो जरूरत नहीं है। रो बिस्तर पे सूती, हम नीचे सूत जाता नहीं। ना सुनीता, गलती हम खेले बनी, सजा हम ही भोगो। तू बेड पे सूत जा, हम बाहर जाता नहीं। दुल्हन से कोनो झगड़ा उगड़ा कह लिया का? अरे मैं यूं कहा, अरे अम्मा जी यहाँ के छोट छोट बात पे खिसिया जाता नहीं। अरे एजा चली चली अंदर चली, तब आज के बाद से ना आपसे कब्बो मजाक ना करो। चली अंदर चली। अम्मा जी तनी यहाँ के समझाई तो, छोट छोट बात पे खिसिया जाता नहीं। चली अंदर चली 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 खिसिया जला बताई तो। ये होना एकदम अपने बाबूजी पे गई बा, मजाक को ना समझेला। Thank you.
छुटको तो हर यहाँ से बसेरा लागत रहे घर वाई भूतवन के डेरा राखेला विधाता कोनो रिश्ता के जोड़ के जाए के पड़े हमके सभे के छोड़ के जिंदगी बीताला सब कर सैया के छैया हो जिंदगी बीताला सब कर सैया के छैया हो नैहर से नेक होला ससुरे के ठैया हो नैहर से नेक होला ससुरे के ठैया हो काल एक हफ्ता हो जाए हमके जाए के पड़ी कहे से कि हम अपना माई के वचन दे ले रानी जितेंद्र के माई के का हुई तू जाइबू तो उनका तबियत फिर से खराब हो सकेला हमके धर्म संकट में मत डाली बाबूजी हम एगो ऐसन भावर में फंस गई बानी जहां हमार कोनो गलती नहीं खे लेकिन सबसे ज्यादा सजा हम ही भुगत रहल बानी आप ही लोग बताई हम का करें तू जाए के तैयारी कर सुनीता हम आई के संभाल ले माई, ए माई, दोबारा हॉस्पिटल जाए के तू तैयारी करा काहे कि सुनीता अब अपना नहीं हर जाता रही ए मनहूस बात कह ले ना तब पे डंडा से मार कर तो दहिया गोद दे कौन उनकी माई किसी आ जाई अरे वो अपने फुआ के लड़की की शादी में जाता है 15 दिन बाद फिर चल रही है वो 10-15 दिन नहीं नहीं हम नहीं जाते अरे माई 10-12 दिन के तो बाद बा जाए दी ना और हमने बाली ना राउर ख्याल रखे खातिर देखा दुल्हन तारा के भेजे के हमार मन तो नहीं खे करत बकीर हम जानत आनी कि नात पात के देखल भी बहुत जरूरी बा ऐसे तू जा और हाँ एक बात के ध्यान रखिया फोन पे अपन हाल चाल हमरा के देत रहिया हाँ अम्मा जी हम आपके फोन जरूर करो जितेंद्र दुल्हन के जाए के व्यवस्था कई दा गाड़ी वाड़ी कई दा
गाड़ी रेडी भी हमारी। मतलब सब लोगन के मन बा, खाली हमार मन जाने के रहे। हाँ अच्छा दुल्हन, सामान मन पैक करा जा। ठीक बा अम्मा जी। देहु जोरे। हाँ माई। अच्छा माजी, हम चलत आ। अरे छोटकी दुल्हन, हम चलत आनी ना। अरे नाना माजी, रउआ इजे लेटल रही और हमने के बानी ना छोड़ दे दुल्हन। अरे ऐसे कैसे, हम बाहर चलत आनी। हाँ माजी, दीदी ठीक कहता नहीं, आप आराम करी, हम चल जाए। बकीर। हाँ माई, तू रहा हम छोड़ के आवते। चला। खुश रहो, खुश रहो। बाबूजी मुखिया चाचा, हम चलो था। खुश रहो, खुश रहो। लगा था नहीं। खुश रहा। त्रिभुवन जी, जल्दी करावा जी, जल्दी करा, देर होता। जब से हटल छुटको तो जिनकी बेताला सब कर सैया के छैया हो, जिनकी बेताला सब कर सैया के छैया हो, नैहर से नेक होला ससुरे के ठैया हो, नैहर से नेक होला ससुरे के ठैया हो। दिल्ली
मरत मेरा रूम में पता नहीं का का बात हो चला, कितना सद छूट हो चला। बकिर के हो अपन घर छोड़ के थोड़ी न जाला। माई का बेटा, माई हमके घरे जाए दा माई। अरे बेटा घरे ही तो जा रहल वाली। ना माई हमके हमरा घरे जाए दा, हमके ससुराल जाए दा माई। देखा बेटा तू हमरा के वचन देले बाड़ू। ना माई एगो बेटी के खाते ओके ससुराल ही अपन घर होला माई, नहीं हटा पराया होला ना माई। हमके जाए दा। देखा बेटा ई मत भूला कि तू हमरा के वचन देले बाड़ू। माई हमके अपना वचन के बंधन में मत बांधा माई, ना तो ससुराल के फर्ज से चूक जाए माई। हमके हमार ससुराल के फर्ज निभावे दो माई, हमके जाए दो। सुनीता हम जोन करत आनी तोहर भलाई खातिर करत आनी बेटा, वो धोखेबाज सब तोहर जिंदगी बर्बाद कर दी। ना माई हम क्या जाए दा। ड्राइवर चाचा गाड़ी रुकी। ना ड्राइवर गाड़ी ना रुकी, हम कहा था नहीं ना गाड़ी रुकी। ड्राइवर गाड़ी सीधा घर पे रुकी। मैं अगर तो गाड़ी ना रुकू तो हम गाड़ी में से कूद जाए। हाँ गाड़ी रुको। सुनीता रुक जाओ। सुनीता तो के हमार कसम अगर एक कदम आगे बढ़ो लू दीदिया तो के मालूम बना कितना जिद्दी लेके बिया। चलो पकड़ो के सुनीता। देखिए एक्सीडेंट इतना मेजर हुआ है कि इनके दोनों पैर की हड्डियां चूर चूर हो चुकी हैं। इनका दोनों पैर काटने के सिवाय हमारे पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। पैर काटने के बाद मैं समझ सकता हूँ दोनों पैर के बिना जिंदगी काटना बहुत मुश्किल है, लेकिन इसके सिवा हमारे पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। प्लीज आप इस पे साइन कर दीजिए ताकि हम उनका ऑपरेशन कर सकें। अरे जितेंद्र हे आओ बाबू बैठ। ए बाबू दुल्हन के गईले 4-5 दिन हो गए, तू कहले रहला ना बात करके बात करा दे, आजो पूरा दिन निकल गई बात ना करेला। हाँ ए बाबू हमार मन बहुत घबरात बा, एक बार बात करा दे ना। माई तोरा से बात करा दे, एम घबरा वाली कोनो बात नहीं के। ठीक बा याद से कल बात करा दी है, जब बात हुई ना तो दुल्हन के विदाई के दिनों रखा दे, ठीक है ना। भूलिया मत हा? बात करा दी हा? हा, माई सोच जा हम तोर बात करा दे।
मुखिया चाचा, आखिर माई के कहा जवाब दिहल जाओ। एक रट लगल रहती है कि बहुत से बात कराओ। सोचा धनिको के कल बात करा थी, अरे कुछ दिन खाती वो शांत रही। तरह कहे के का मतलब है? कई बार फोन करबा और कौना रिश्ता से करबा? फाजिल बात कही ना, भौजी से कहदा सुनीता से बात हो गई बा। झूठ से केहू का जान बचेला ना तो झूठ पुण्य के बराबर होला। ठीक कहता मुखिया। जितेंद्र सबके खातिर चाय बोल दा। भौजी, ए भौजी, अरे दू कप चाय बना दे मुखिया चाचा दुआर पाइल बड़े जल्दी सा। ठीक बा बाबू। ए जितेंद्र, दुल्हन से तोर बात भइल हो, हमरो बात करा दे ना रे, नहीं तो आजो के दिन निकाल दे पे। अरे माई, हुनकरा से बात भइल हो, कहली हा सब हाल चल ठीक बा। हम कहनी हा कि माई भतिया खाती बड़ी परेशान बिया। अरे वो तो तोर पतोहे ही है, कहती है कि झूठो खनिया हो जाए में परेशानी हुई, माई के कहता खरा ही में रह के। अरे हमरा कौन परेशानी बारे, चल ले चल हमरा के बात करा दे। अरे अभी वो यही है थोड़े, उनकर बुआ के लड़का के शादी बहुत निकल गुल हुई है। अच्छा तोर बात भेल है ना, विदाई उदाई के बात कहले है ना? हाँ बतियौनी हा, विदाई के भी बात कहनी है, कहली है कि 15-20 दिन में दिन रखवा ली है। 15-20 दिन? औरे अच्छा ठीक बा, ठीक बा मुखिया जी, दुआर पर हम जाते नहीं। से हम झूठ बोली और सच्चाई कब तक हम छुपाई? छुपावे के तो पड़वे करी, कहे से कि जब तोरे माई के ही पता चली कि सुनीता है एक हफ्ता खातिर शर्त पे रहे आयल रहनी, सुनीता का माई सुनीता का रिश्ता कहीं और तय कह देले रहनी, सुनीता और तोरे बीच में तलाक हो गई बा, तभी सदमा शायद तोहर माई बर्दाश्त ना कह सकेली। फाजिल बत कही ना रहुआ, हमरा से इतना बड़ा झूठ बोल ली, पूरा परिवार मिलके हमरा के धोखा देलस। ना 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 जितेंद्र कमाई, अब बात दूसर कुछ होत रह लिया है कि ना? चुप कर, और कितना झूठ बोला और काहे हमरा के पता चल के हमार कलेक्टर आए अपन घर छोड़ के चल गए, हमर घर के लक्ष्मी घर छोड़ के चल गए। डॉक्टर जी बुलाओ जल्दी। राजेश बेटा, हमरा के डॉक्टर के ना कलेक्टर आइन के बुला दे। ए जितेंद्र, हाँ माई, हमरा के कलेक्टर आइन से मिला दे। बुला दे थे माई, हमरा हमरा बुझाता, अब हम ना ना बचब। ऐसे काहे कहता ऐसे ना बोले जला ना, ना माई। ए जी बुला दी ना, एक बार होकर चेहरा देखे की चाहता नहीं, हमरे कलेक्टर के बुला दी। अरे फाजिल बात कही ना धर्मेंद्र, कुछ ऊंच नीच हो गई ना तो जिंदगी भर पछताए के पड़ी। अरे काहे ना सुनीता के लिए उता। ए धर्मेंद्र, ए बाबू तू लेके आओ सुनीता के, लेके आओ, लेके आओ बाबू। हां मुखिया चाचा, क्या तेरी बात कर, जो जो ए बाबू तू डॉक्टर के लेके आओ जल्दी, जो डॉक्टर के लेके आओ।
हे भगवान, सुनीता फोन उठा लो। हेलो। हेलो हेलो, तू सुनीता? बेटा हम सुनीता के पापा बोला था नहीं। भौजी, माई का तबीयत बहुत खराब बा और माई सुनीता का बहुत याद करता है। एक बार भौजी सुनीता के घर भेज दे। बेटा सुनीता अब ना जी है। कहा कहा है? बेटा सुनीता अब कबो ना जा पाई है। कहा है बाबूजी? कहे से कि सुनीता अब दूसरे के अमानत हो गई बड़ी। देख बेटा ये बात तू अपना के और अपना घर वालन के समझा दो। कहे एक बार बाबूजी समझे कोशिश कर बाबूजी। एक बार जितेंद्र तोर भाई दुनिया छोड़ के चल गए। हेलो हेलो हेलो, के जाने एक पल में सगरा हालात बदले कैसे, एक गलती के चलते बिखर गई सब पतझड़ के जैसे। जिंदगिया हो एक दिन तोहके काट धाई, जिंदगिया हो एक दिन तोहके काट धाई। सोच समझ के जदि ना चलबा, सोच समझ के जदि ना चलबा पछताइबा ये भाई। जिंदगिया हो एक दिन तोहके काट धाई, जिंदगिया हो एक दिन तोहके काट धाई। एक सही रास्ता काश में उड़ावे, एक गलत विचार हो पाताल में धसावे। पंख बिना जैसे बो रही अचरैया, चाह के भी जाए नहीं पावे कोनो ठैया। भर खटाई जिंदगिया हो एक दिन तोहके काट धाई, जिंदगिया हो एक दिन तोहके काट धाई। खेलत जिंदगी में लागे जब आग हो, ऐलो भी सुख जाला पाजरा से भाग हो। कौन कर्म के जो भोग इंसान हो, आदमी न जाने तो जाने भगवान हो। गफलत में हीरा जाला, गफलत में हीरा जाला,
हाथ सहराई जिंदगिया हो एक दिन तो हके काटे धाई जिंदगिया हो एक दिन तो हके काटे धाई। हेलो, हम चंदन के माई बोलत बानी। समधिन जी बोली। हमरा के समधिन जी मत बोली, हमनी के बीच में कोनो रिश्ता नहीं खे। का मतलब? मतलब बहुत साफ बा, आपके बेटी से अपना बेटा के ब्याह ना करब। हम ई रिश्ता के अपने तरफ से खत्म मान ले बानी। लेकिन ना समधिन जी, ऐसन मत बोली। पागल हो गेल बड़ू का, पैर कटल लड़की से कोई शादी करी का? ऐसन बात मत करी, ये तो अनहोनी बा। हर राउर घर में भी तो बहु बेटी भाड़ी ना, कहीं उनकर संज्ञा ऐसा अनहोनी हो जाए, ई वजह से कोई रिश्ता तो ना तोड़ेला। हमार बिटवा कलेक्टर बा, होकर दूसर जगह भी आकर ढेर सारा दहेज मिली, अच्छी लड़की मिली, लेकिन पैर कटल लड़की के अपना गला के फंदा ना बनाई। देखिए समधन जी, ऐसा मत करी, हम आपके आगे हाथ जोड़त नहीं, हमार बेटी की जिंदगी बर्बाद मत करी। आपको अब तो हम 5 लाख रुपया और दहेज बढ़ा दे, बाकी रिश्ता मत तोड़ी। वाह, अच्छा सिखावत बाड़ू किरण देवी। 5 लाख रुपया के लालच में अपने बेटवा के जिंदगी बर्बाद कर दी। ना किरण देवी ना, ये रिश्ता खत्म तक खत्म। ऐसा मत कहीं, हम और पैसा दे, 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख, जोन कहब तो दे, कहब तो ये घर भी बेच दे, पर हमरे बेटे के साथ ऐसा मत करी। किरण देवी, ये पैसा बचा के रखी, तोहरे अपाहिज बेटी के कामे आई। समधन जी, सुनीता के माई का भइल? अरे का भइल? हे पानी लेके आओ। अच्छा, अरे कुछ बताबू का भइल? अरे संभालो अपने आप को। बैठो, पानी पिया ना, लो पिया। का बात बा, काहे रोत रही हो? चंदन की माई कह दिया सुनीता से रिश्ता तोड़ दी, कह दिया पैर कटल लेके के छाती की भोज के बनाई। ऊपर वाला की लाठी है सुनीता की माई, इकरा में आवाज तो ना होला लेकिन तकलीफ बहुत होला। सुनीता के रिश्ता वो लड़का से तोड़ दे लो जोन उकरा के जान से भी ज्यादा चाहत रहे, कितना मानत है उकरा के, अरे पूजा करत रहे उकर, रिश्ता खरीदल ना जाला हो, रिश्ता बनावल जाला प्यार से, समझदारी से, त्याग से, एक दूसरे के माफ करके। हाँ दीदिया, तोहर छोट भाई होके हम आज ले तो होके कुछ ना बोल पाऊनी, लेकिन गलती तो भइल बना तोरा से। हाँ, गलती तो भइल बा हमरा से, आज हमके एहसास भइल कि अपन घमंड के आगे हम अपन बेटी की जिंदगी बर्बाद कर देनी। Ah!
रवा रोवा तानी, हम रवा के नजर से दूर भेल पानी, बकिर हमेशा रवा के साथ पानी। आज हम रवा से नाराज पानी, रवा हमरे कलेक्टराइन के भुला गई नी। सुनीता रिश्ता नहीं के रखे चाहते, ताली एक हाथ से ना बजे पूनम। देखी जी, जाने अनजाने में गलती हमनी से भइल बा। हम तो ओकरा के अपन बहु बना के लाइल रहली, पकिरो हमरा दिल में बेटी बन के बस गई। हमरे कलेक्ट्राइन के जाके आशीर्वाद दे दी, हमरे आत्मा की शांति मिली। कारोबा हमरे खातिर इतना न कर सके नी। करम जरूर। पूनम इच्छा जरूर पूरा है पूनम, जरूर। दादी माँ चाय, रवा चाय। बाबूजी रवा खातिर लाई का चाय? ना मन नहीं खे। सुना ना लोगन, तोहर माई सपना में आयल रहली और हमसे कहत रहली अगर वो भुला गईली तब तोहर लोगन का का फर्ज है? का तोहर लोगन अपन फर्ज भुला गेला? ससुर का फर्ज, पति का फर्ज, भसुर का फर्ज, ननद का फर्ज सब भुला गेला? तोहर लोग समझदार हवा। हम चाहता नहीं कि आशीर्वाद देवे खातिर चले चाहिए वहां। ठीक बा, जब हमनी सब के जाए के बा तो काहे ना मुखिया चाचा के भी साथे ले लिया जाए। हाँ ठीक बा, ठीक। शादी रहल ना, इतना सन्नाटा कहा है? वह समझ में ना होता, ब्याह जैसा तो कौनो बात लौकता है ना यहाँ। सुनीता के माई। हाँ का भाई? लगातार शादी हो गई बा। खैर हमने के सुनीता से मिले आई लली। चितंदर कमाई सपना में आके कहले रहली कि भले ही सुनीता ये घर से रिश्ता ना रखे, लेकिन
लेकिन हम सुनीता के बहू से ज्यादा बेटी मानीला। जब उनकर बियाह हुई तब जाके आशीर्वाद दे दिया, तब हमने के यही से आशीर्वाद देवे आई ललि। लेकिन यहां फाजिल बत कही ना धर्मेंद्र, किरण देवी हमने सुनीता बिटिया के आशीर्वाद देवे जा आई ललि। लेकिन यहां तो ठीक है, यह आशीर्वाद बाकी सुनीता जहां रहे खुश रहे बस। चलो धर्मेंद्र चलो। सुनी रउआ लोग आशीर्वाद देवे आइल बानी, ता आशीर्वाद दे के जाई, कहे कि एक घड़ी सुनीता के रउआ लोग के आशीर्वाद के बहुत जरूरत बा। आई रउआ लोग आवे के। सुनीता बोलो ना, बोलत कहने को ये सब विधि के विधान है जितेंद्र बाबू, होने के केहू ना टाल सकेला। हम तो ये सब अपन बेटी के खुशी के खातिर करत रहनी, बाकी भगवान और भाग्य के तो कुछ और ही मंजूर रहे। वो दिन जब राहुल घर से विदाई करा के लेके आवत रानी, रास्ते में जीत कर ले इतना बड़ा बात हमसे छिपा लो, एक बार भी तुम से ना बता लो, इतना बड़ा दुख लेके तू अकेले झेलता रहो। ये सब हमारा जैसा नालायक के होके के चाहत रहे कुसूर हमार बात सुनी ए जी। कुसूर आपके ना, कुसूर हमार रहे जब आपके छोड़ के चले नहीं। हम आपके पास वापस आवे के कोशिश भी करनी, तब तक हमार पैरों तले जमीन की संगल जी। जौना पैर से आपके प्यार के छोड़ के आयल रानी, उहे प्यार के पावे खातिर आपके पास दोबारा आवे के कोशिश भी कर ले रानी, लेकिन हमार पैर ही ना रहा जी। हम कितना बड़ा भागा बानी जी कि अम्मा जी के आखिरी इच्छा भी पूरा ना कर पाऊनी, और ना तो अम्मा जी के आखिरी दर्शन कर पाऊनी। हम आपके लायक नहीं कीजिए, हम आपके लायक नहीं कीजिए ना सुनीता,
के कह तक तू हमरा लायक नहीं को तोहर पैर में न कटल बा हम बन तोहर पैर हम बन तोहर सारा बहु चोर भेल तोन भेल बहु आज भी हमके बहु के रूप में स्वीकार बाड़ू ना बाबूजी हम आपके बोझ नहीं के बनल चाहत बाबूजी हम आपके बोझ नहीं के बनल चाहत बाबूजी फाजिल मत कहीं ना है तुल्हे घर का लक्ष्मी भी कब बोझ होले का ए दुल्हन चला ना तोरा बिना घर द्वार सब सुना लगा था ए छटकी चला ना घरी हमके मालूम बा तू अपन बड़ बहन के बात ना कटबू ए सुनीता चला ना चला ना भौजी बहु चला ना अब घरे भाभी चला ना अब तो माई भी ना रहली अब हमके छुट्टी के बुलाई चला ना सुनीता ये छुट्टी चला ना ए दुलई जितना फाजिल मत कहीं करेगा मन करे करिया हो लेकिन घर चलो ए बेटा जा अपन घरे जा हाँ बेटा जो बेटी जो तुहार असली घर वह बा जो जिंदा जा बेटा अपन असली घरे जा Oh, my God.